हेलो व्हाट्सअप का इस आजम देखने जा रहे हैं ऐप लेआउट इन आवर रिएक्ट राउटर ठीक है तो ऐप लेआउट का क्या मतलब होता है देखो वी हैव दिस हेडर पार्ट राइट ये एक हेडर पार्ट है कोई भी वेबसाइट में 90 परसेंट चांस है कि आपका ये जो हैडर पार्ट एंड एट दी एंड वी हैव दिस फूटर पार्ट राइट नो मैटर वॉट लाइक हेडर एंड देन फूटर होता ही होता है तो आई डोंट नो गाइस कितनों के माइंड में ये चीज आएगा लेकिन जब हेडर सेम है एंड लेट से मैं अबाउट पे चला है दूसरा पेज है यहाँ पे भी फूटर्स में तो हैडर एंड फूटर जब हर एक पेज में ऑलवेज सेम होने वाला है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट में जाता हूँ तो भी देखो सेम हो ही है कॉन्टैक्ट पर आए तो भी हमारा हैडर सब सेम ही है तो जब हैडर सेम है तो क्यों हर बार हम इसको अलग अलग जगह पर बनाएं अलग अलग जगह पर जाके यू ना वो पूरा कोड लिखे तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप एक जगह पे लिख दोगे मेरा हैडर ऑलवेज टॉप पे रहेगा उसके बाद बीच में आप अपना कोड डायनेमिक जो भी पेजेस आएगा एंड देन फुटर मेरा एकदम बॉटम पे ऑलवेज रहेगा तो ये सारे आप लेआउट ऑफ डिफाइन करोगे कर ठीक है जैसे फ्लेक्स बॉक्स क्रिड की मदद से आप लेआउट डिफाइन करते थे आई नो बहुत बातें हो गई अब बिना किसी देरी का हम इसको स्टार्ट करते हैं उससे पहले कैसे अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा रोज मैं ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ एंड रेड की प्ले को जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर आप आइए तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि आपको आपका फोल्डर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा एंड दैट इज आव सोर्स फोल्डर अब इस सोर्स फोल्डर में मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम है कंपोनेंट क्या नाम है गाइस इसका कंपोनेंट्स ठीक है इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा गाइस क्या लेआउट ठीक है एंड इसके अंदर इसी के अंदर मैं एक और क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा यू सो कंपोनेंट्स के अंदर वी हैव अ लेआउट एंड देन वी हैवे यू आई यू आई में भी लेट्स आपका बटन ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहता है तो बटन मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा जस्ट आई मीन समझ रहे हो ना बस रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट अब लेआउट में मैं चलता हूँ एक हैडर बना लिए अब बना लेते हैं ही हैडर डॉट जे एस एक्स ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट्स क्रिएट वन फूटर क्योंकि ये मेरे ऑलवेज सेम रहने वाले एंड एट द एंड में एक ऐप ले आउट डॉट जे एस एक्स बना लेता हूँ ठीक है अब ऐप लेआउट डॉट जे एस एक्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना ठीक है डोंट वरी वो जो लुक है हम थोड़ा सा बाद में देंगे बट फिलहाल अभी हमारे लिए फंक्शनैलिटी एंड कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दिस इज़ आई गेस फूटर वाला ठीक है सो जल्दी से इसको मैं uh, इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है एंड लेट्स गो विथ वी हैव अ रिटर्न एंड लेट्स गो विथ फूटर दिस इज इट ठीक है इसको कॉपी कॉप कंट्रोल एस सेव कर दीजिए हेडर पे आइए ऑब्वियसली हेडर पे भी मुझे हेडर को भी डिफाइन तो करना ही पड़ता है परफेक्ट ठीक है अब ऐप लेआउट पे आइए ठीक है थीके? तो अब हमारा ऐप लेआउट कैसा होगा ध्यान से देखिए सो कॉन्स्ट ठीक है वी हैव ऐप लेआउट ठीक है मैं अब ढांचा बना रहा हूँ कि भाई ऑलवेज मेरा ये जो पार्ट uh, है सबसे पहले मेरा ऑलवेज टॉप पे रहेगा वी हैव अ हेडर ठीक है परफेक्ट ठीक है इसकी मुझे कोई नीड नहीं बाय द वे इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग बना रहा हूँ एंड देन उसके नीचे मेरा रहेगा फूटो ठीक है लेट right. इतना मेरा काम हो गया है अब ये जो ऐप लेआउट है इसको चाहो तो आप डायरेक्टली यहां पे एक्सपोर्ट कर सकते थे बट लेट्स को भी तो इसको मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ नॉट डि डिफॉल्ट एंड वी हैव आवर ऐप लेआउट ठीक है परफेक्ट ठीक है फूटर को भी कंट्रोल एंड स्पेस एंटर ठीक है तो हमने एक ले क्रिएट किया है जहां पे हैडर मेरा पहले रहेगा दिखाई देगा देन फूटर मुझे दिखाई देगा फिलहाल इतना ही है ठीक है सो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैं मैं चलता हूँ मेरे ऐप डॉट जे फाइल पे ये जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला पार्ट मैंने आपसे कहा था कि लाइक इसको हम फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज़ वी नीड टू यूज़ वन हेल्पर फंक्शन एंड हेल्पर फंक्शन ले लेके भी क्या काम करना है ना जो इन्होंने नया तरीका बताया कि भाई अब से वर्जन 6.4 के ऊपर हम हमारा ये जो ऑब्जेक्ट वाला स्टाइल है उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे ये वाला ठीक है तो यहाँ पर कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है या आई गेस इसका एंड इसका भी ठीक है परफेक्ट आई गेस अब नहीं होना चाहिए परफेक्ट ठीक है अभी तक ये इतना था इसकी मुझे कोई नीड नहीं है इन दोनों को अब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से ठीक है अब हमें क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि हमने ये जो ऐप लेआउट बनाया है इसके अंदर मेरे सारे डेटा होना चाहिए क्या होना चाहिए ऐप लेआउट मेरा एक पेरेंट कंटेनर होगा उसके अंदर सारे वो चिल्ड्रेन मुझे मिलने चाहिए कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए ठीक है तो क्या होगा देखो ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसके नीचे मैं चलूँगा ठीक है मैंने एक न्यू पाथ क्रिएट कर रहा हूँ एंड देट इज़ ये वाला ठीक है यहाँ पे मैं क्या क्या लिखता हूँ आप लोगों के लिए एलिमेंट एंड uh, मेरा जो एलिमेंट होगा ऑब्वियसली मेरा ये ऐप लेआउट इस तरीके से ठीक है ये मैंने किया अब अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होता है एक बार जस्ट इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं है ना तो ये सरप्राइज हो सकता है कि आखिर हमें मिलेगा क्या अगर हम ये करते तो एन पी एम रन एंड देन डेफ ठीक है तो uh, ऑल आइट परफेक्ट फाइव वन सेवन थ्री पे रन कर आज के दिन बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चलेगी लोकल होस्ट ठीक है अब अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ तो आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे हेडर एंड फुटर आ गया मुझे हेडर आ गया मुझे फुटर आ गया बट लेट चेक इट आउट अगर मैं चलता हूँ अबाउट पे तो मुझे अबाउट पेज आ रहा है बट हाँ अब अगर मैं होम पेज पे जाना चाहूँगा तो मुझे वो मेरा जो होम पेज था वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा मुझे दिख रहा तो खाली हेडर एंड देन फुटर तो हम ऐप लेआउट क्यों बनाते हैं हम ऐप लेआउट इसलिए बनाते ताकि हेडर एंड फुटर ऑलवेज टॉप पे फुटर ऑलवेज बॉटम पे इसके अंदर जो मेरा डेटा होगा वो मुझे दिखाई दे तो एक तो आप ये कर सकते हो क्योंकि बाकी सब तो मुझे दिख रहा था लेकिन हाँ ये देखो हेडर आ गया फुटर आ गया एंड हेयर वी हैव अ होम पेज बट प्रॉब्लम तब होगा जब मैं वापस अवार्ड पे जाऊँगा तब मेरे हेडर एंड फुटर कहाँ गए कहाँ गए वी डोंट नो कहाँ गए ठीक है तो ये गलत तरीका था कि जहाँ पे आप होम लिख रहे हो तो ये नहीं करना है ठीक है एंड ऐसा क्यों अब मैं आपको बताता हूँ देखो अबाउट पे आपको अबाउट मिलेगा मूवी पे आपको मूवी मिलेगा कॉन्टैक्ट पे आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा क्योंकि हमने उनका पाथ डिफाइन कर रखा है बट जब इन दोनों की बारी आई तो दोनों की पाथ तो सेम थी राइट right? दोनों को पाथ एकदम सेम है तो ऑब्जेक्ट में हुआ ये कि जो सबसे पहला पाथ आया उसने उसको दिखा दिया तो इसको इग्नोर कर दिया उन्होंने तब हम क्या करेंगे ऐप लेआउट के अंदर मुझे सब कुछ चाहिए तो उसके लिए गाइस नाउ वी नीड टू क्रिएट जितने भी हमारे पेजेस है एज चिल्ड्रेन समझ रहे हो तो इस तरीके से एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको भी एज इट इज नहीं कर सकता इस एरे uh, बनाना पड़ेगा एंड ये ठीक है अब ये जितने भी मेरे रूट है इन सबको कॉपी कीजिए यहाँ से हटाइए एंड इसके अंदर रख दीजिए दिस इज इट तो अब हमने हमारा वन मेन पेरेंट कंपोनेंट बनाया ठीक है ऐप लेआउट बोल के एंड उसके अंदर मैंने चिल्ड्रन रख दी चिल्ड्रेन मतलब अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कंट्रोल कंट्रोलेसिव लेट चेक इट आउट अगर मैं ये करता हूँ ठीक है तो आ, कैसा दिखता है एक पल के लिए मैं ये आ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ और सॉरी इसको इस तरीके से लेट चेक इट आउट ठीक है अबाउट पे भी वही आ रहा है मूवी <laughs> पे क्या आता है मूवी पे भी वही आ रहा है होम पे क्या आता है होम तो कभी था भी नहीं ठीक है ऑल ठीक right, है तो चाहे अब मैं किसी भी पेज पे जाऊँ तो अब मुझे खाली हैडर फुटर हैडर फुटर हैडर फुटर हैडर फुटर आ रहा है अब एक चीज ध्यान में रखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलना है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आउटलेट क्या होता है ये आउटलेट ठीक है ये भी एक कंपोनेंट ही है देखो एन आउटलेट शुड बी यूज इन अ पेरेंट रूट एलिमेंट्स टू रेंडर द चाइल्ड रूट एलिमेंट्स समझे क्या बोल रहे तो आपको ये जो आउटलेट कंपोनेंट है ऑलवेज आपको पेरेंट रूट एलिमेंट में यूज़ करना है ताकि आप उनके जो चिल्ड्रेन रूट एलिमेंट है उनको रेंडर करा सको कहने का मतलब ये कि हेडर एंड फूटर तो हमें ऑलवेज मिल रहा है लेकिन अगर मैं अबाउट पर जाऊँ तो मुझे क्या चाहिए होगा कि हेडर टॉप पे रहे फूटर बॉटम पर रहे लेकिन एबाउट वाला पेज इनके बीच आ जाए तो मैंने उनको चिल्ड्रेन तो बना दिया राइट लाइक एप प्लेआउट के अंदर ये सारे अब मेरे चिल्ड्रेन तो बन चुके तो इन चिल्ड्रेन को मुझे वहां पे दिखाने के लिए हमें लगता है वॉट वी नीड एन कंपोनेंट सिंपल जिसका नाम है आउटलेट दिस इज इट एंड आप देख सकते हो यहाँ पे उसको हमने इम्पोर्ट किया हुआ तो ये है आपका लेआउट जो जो आपको ऑलवेज एकदम टॉप पे एकदम फिक्स्ड uh, एकदम स्टिकी भी क्या बोलना फिक्स्ड हम बोलते हैं ना जो पोजीशन फिक्स्ड कुछ उस तरीके से चाहिए तो आपको एज इट इज लिख देना है उसके बाद जो भी आपको डायनेमिक च आउटलेट लिखना मतलब अब इस ऐप लेआउट के अंदर जितने भी चिल्ड्रेन एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? उनको ये वन बाय वन रेंडर कर देगा एंड अब कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है वो उनकी मर्जी उन्होंने बनाया है इस तरीके से है कि हेडर टॉप पे फुटर बॉटम पे अब कोई होम पे जाएगा तो होम बीच में दिख जाएगा अबाउट क्लिक करेगा तो वो अबाउट वाले चिल्ड्रन को वहाँ पे दिखा देगा ये देखो मेरा काम हो गया अबाउट होम ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ लेट्स गो विथ मूवी तो ये देखो मुझे मूवी आई है सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड कहीं ना कहीं ये जो पोर्सन अभी आपको दिखाई दे रहा है ठीक है हेडर ऑलवेज टॉप पे फुटर ऑलवेज बॉटम पे अब अबाउट पे जाऊंगा तो ये भी अबाउट का पेज है तो लाइक like, आप देख रहे हो तो हो गया ना मेरा काम तो इस तरीके से कहीं आप अपना लेआउट को क्रिएट कर सकते हो इन आवर लेटेस्ट रिएक्ट राउट ऑफ वर्जन सिक्स पॉइंट फोर एंड अबाउ दो ये सेम हम वर्जन सिक्स पॉइंट जो भी अभी करेंट चल रहा है अपना छब्बीस उस पर भी हम कर पाते बट एटलीस्ट ये आइडिया आपको पता चल गया कि कैसे आप इसके साथ खेल सकते थे कितना ऑसम लग रहा है ना जब हम इसका थोड़ा सा लुक चेंज करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब आप इसमें एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हो एंड उसके बाद वाला जो फाइल होगा उसमें मैं आपको पूरा इसका यूआई चेंज करके बताऊंगा आपको बहुत ही ज्यादा मज़ा आने वाला है सो गाइस बताना चाहूंगा अभी तक बाकी के प्लेट वीडियो को चेकआउट नहीं किया हमारे प्ले लिस्ट में तो जरूर चेकआउट कीजिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत जल्द मैं एक ऑसम प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ रिएक्ट में लेकिन उससे पहले आपको ये जो रिएक्ट आउटर डोर में इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा एटलीस्ट आज आपने एक ट का तो फंडा समझ लिया कि कैसे अब आप इस तरीके से यू नो हेडर एंड फूटर को फिक्स एंड बीच में डायनेमिक चिल्ड्रेन एलिमेंट को रेंडर करा सकते हो तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या कमी कहां कमी रह गई एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट आइगेट सेवन है आई एम बिलीप मी गाइस बहुत मेहनत लगती है एंड आपका एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड मैं और भी ऑसम वीडियोस लेके आना रहा तो आप उस मैं नहीं चाहता आप उसको मिस कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलता हूँ कल के वीडियो में टिल दिन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर